आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के जागीरपुर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल कैलाश और कांस्टेबल अमरजीत ने दो झपट मारों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से पुलिस ने एक बटन चाकू और महिंद्रा पार्क इलाके से छापेमारी किया हुआ एक मोबाइल फोन भी किया बरामद। आज पुलिस ने मीडिया को जानकारी साझा करते हुए बताया कि 22 जुलाई को जागीरपुर थाने के हेड कांस्टेबल कैलाश और कांस्टेबल अमरजीत को गुप्त सूचना मिली कि इलाके में दो स्नेचर स्कूटी पर घूम रहे हैं। गुप्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गश्त शुरू की। जब पुलिसकर्मी मंगल बाजार चौक पर पहुंचे तो उन्होंने बैंगनी रंग की स्कूटी पर दो लड़कों को पकड़ पूछताछ करने पर आरोपी की पहचान आरिफ उर्फ सानू और बलजीत उर्फ लक्की के रूप में हुई। तलाशी लेने पर जिनके पास से पुलिस ने एक बटन चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जांच करने पर पुलिस को पता चला कि महिंद्रा पार्क इलाके में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दो लड़के की स्कूटी पर आए और उसका मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।